जय हिंद एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? तो वी बैक विद दिस वीडियो दैट इज ज्योग्राफी. ठीक है, इन दैट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर टू टॉपिक्स. फर्स्ट वन दैट इज योर फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड वन दैट इज योर इंडियन ज्योग्राफी. ठीक है, सो फॉर बोथ ऑफ दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ इट एंड देन ट्राई टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा थोड़ा. ठीक है, तो चलो लेट स्टार्ट. वी हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन अवर स्क्रीन, दैट इज विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी मार्स. तो एज यू ऑल नो वी हैव सोलर सिस्टम. ठीक है, इन दैट सोलर सिस्टम देर आर लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स एंड दे आर ऑल रिवॉल्विंग अराउंड सन. ठीक है, तो दे हैव डिफरिंग साइजेस एंड शेप्स. जैसे कि यहाँ पे इफ यू कैन स्पॉट दिस मर्क्यूरी, देन वीनस, देन अवर बिलव्ड अर्थ, देन मार्स, दैट इज व्हाट वी कॉल रेड प्लैनेट ऑल्सो. ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सेल है. ठीक है, इसकी वजह से रेड प्लैनेट. नेक्स्ट जुपिटर ऑल्सो, देन सैटर्न हैविंग द रिंग्स, है ना, जिसको बेल्ट भी कहते हैं आप लोग. उसके बाद में यूरेनस, नेपच्यून एंड देन प्लूटो. ठीक है, जो सबसे छोटा होता है. तो यहाँ पे इफ यू कैन स्पॉट जुपिटर इज द लार्जेस्ट अमंग ऑल, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर इज योर ए, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. ओके, चलो नेक्स्ट. विच लाइन डिवाइड्स अर्थ इन टू पार्ट्स? सपोज यू आर इन प्लेस ए एंड योर बिलव्ड पर्सन कॉल यू प्लीज कम एंड मीट मी, है ना, आपको उनको मिलने जाना है, कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो आप उनको मिलने जा रहे हो, तो आपको कैसे पता भाई उन्होंने कह दिया कि आप सपोज है ना SPI आपका कहाँ पे है, संभाजी नगर में. हाँ चलो GSPI की भी बात करते हैं. GSPI कहाँ पे? नासिक में. नहीं तो आप कहोगे सर डिस्क्रिमिनेशन करते हो. नहीं यार, ठीक है, तो आपको आपके घर पे जाना है सपोज. ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ SPI वालों की, तो औरंगाबाद वालों वाला एक बंदा रहेगा जिसका घर रहेगा समझ लो जालना में. तो अगर उसको पता है मुझे जालना जाना है, तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉलो करेगा, है ना, राइट लेफ्ट या फिर टूवर्ड्स द, ऐसे कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉलो करेगा. ठीक है, वैसे ही कोई लड़की है ना, इफ इज कोई लड़की का रेट है GSPI की, उसका घर है आपका अहमदनगर में, तो उसको कैसे पता रहेगा अहमदनगर इसी साइड में हमने उसी तरफ जाएगी, है ना. ये रास्ते वास्ते तो ये अब की बात है यार, पहले ज़माने में ऐसे नहीं होता था. मतलब नॉट लाइक कि बहुत पहले जब अर्थ बना उसको प्रॉपर एक लोकेशंस का हिस्सा बनाना था, तो इसके लिए कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई जिनका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इक्वेटर, जो अर्थ को ठीक से बीच में से गया है, जो 0 डिग्री पे. ठीक है, वैसे ही आपका इक्वेटर से जो नॉर्थ साइड में आता है उसको कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो साउथ साइड में आता है उसको कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न साइड में है उसमें भी आपका एक 23.5 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ किया गया है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड सेम टू सेम सदर्न साइड में गया है आपका, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, द सेम ऑन सेम डिग्रीज, है ना. उसके बाद में जो आपका 66 डिग्री नॉर्थ साइड में है उसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल, एंड जो 66 डिग्री साउथ साइड में है उसको कहते हैं एंटार्कटिक सर्कल. वैसे ही 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ है नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री साउथ की तरफ है साउथ पोल. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि अर्थ को बीच में से डिवाइड करती है इक्वेटोरियल लाइन. ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे. विच टू कंटिनेंट्स आर रेप्लिका ऑफ ईच अदर? देखो यार, सिंपल सी बात है, जो हमारे अर्थ है, अर्थ पे हमारे 7 कंटिनेंट्स हैं. ठीक है, 7 कंटिनेंट्स हैं, तो इनमें से ऐसे कौन से 2 कंटिनेंट हैं जिनकी मिरर इमेज बनेगी? ठीक है, इसी का ये मतलब है, समझ लो. तो ये मिरर इमेज बनेगी आपकी एशिया एंड यूरोप की. ठीक है, आप मिरर इमेज बना लो, आपको दिख जाएगा. ठीक है, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंटार्क्टिका हो गया, दिस आर ऑल योर 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द अर्थ. ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर सुएज कैनल कनेक्ट्स विच टू सीज. लेट्स डिस्कस अबाउट सम वाटर बॉडीज, है ना, दिस इज द फेमस वाटर बॉडीज, जो कि सी, जो छोटी सी वाटर बॉडी होती है,
एंड ओशन जो थोड़ा उसमें साइज में बड़ा होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जो स्वेज कैनल है दैट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप स्पॉट कर रहे हो, दिस इज योर मेडिटेरियन सी एंड दिस इज योर रेड सी कनेक्टेड बाय स्वेज कैनल। एंड सेम टू सेम देर आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट वाटर बॉडीज इन इंडिया ऑल्सो, एज श्रीलंका एंड इंडिया गट डिवाइडेड बाय पाल्क स्ट्रेट, ठीक है। इट इज वॉट वी कॉल पाल्क स्ट्रेट। एंड जस्ट लाइक दिस मलेशिया एंड सिंगापुर गॉट डिवाइडेड बाय स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। एंड जस्ट लाइक दिस ऑल्सो अंडमान एंड निकोबार के बीच में से एक लाइन जाती है, डिवाइडेशन लाइन, जिसको कहते हैं 10 degree channel, ठीक है। 10 degree channel दैट डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार। चलो नेक्स्ट। सो इफ आई कट्स डाउन द अर्थ्स इंटीरियर, आई विल टेक इट एज दिस, है ना। सो देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ अर्थ्स इंटीरियर। फर्स्ट वन दैट इज योर क्रस्ट, सेकंड मेंटल, थर्ड कोर, ठीक है। एंड देर आर सम एलिमेंट्स दे आर अबंडेंट इन ऑल ऑफ दिस थ्री पार्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रस्ट हैव सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, सेकंड मेंटल हैव सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, एंड कोर हैव निकल एंड फेरस। सो कोर इज कॉल्ड एज निफे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। ओजोन इज प्रेजेंट इन जस्ट लाइक दिस, इफ सपोज इज अर्थ, इज एटमोसफियर ऑफ अर्थ, है ना, जो आप देखते होंगे बादल, है ना। तो ये जो पूरा एटमोसफियर है इसमें एक प्रोटेक्टिंग लेयर है अर्थ का, दैट इज योर ओजोन। ये ओजोन क्यों प्रोटेक्टिंग है, बिकॉज अर्थ रेडिएट्स यूवी रेज एंड दैट दे आर द हार्मफुल, दे आर द मोस्ट हार्मफुल रेज फॉर बायोडाइवर्सिटी, जो कि बहुत ख़राब होता है। जो डायरेक्टली अर्थ के इस पे आ जाए तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बायोडाइवर्सिटी टिक नहीं पाएगी। तो इसको काउंटर करने के लिए अर्थ के ऊपर एक कवरिंग लेयर है जो ओजोन के नाम से जाना जाता है, एंड ये प्रेजेंट होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में। तो इसकी भी लेयर्स है, सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद में आता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है। जो एरोप्लेन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में फ्लाई करते हैं, कुछ एरोप्लेन्स आपके हैं जो ट्रोपोस्फीयर में फ्लाई करते हैं जिनको टर्बुलेंस का प्रॉब्लम होता है, उसके बाद में मेसोस्फीयर इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर कंबाइन करके बनता है आपका आयनोस्फीयर, ठीक है। क्योंकि आयनोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ आयन्स, गॉट इट, एंड ये आयन्स को होने की वजह से ये जो सैटेलाइट्स है वो यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि दे कैरीज चार्ज, ठीक है, सिग्नल्स जो होते हैं वो कैरी कर लेते हैं आयन्स। चलो नेक्स्ट, रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम, रिवर सिस्टम इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी। तो गंगा जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है चार उसके गोमुख से, ठीक है। मतलब आप कह लो इसको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। तो गंगा रिवर बनती है चार नदियों से, सबसे पहले भाई अलकनंदा रिवर है, वो बद्रीनाथ से ओरिजिन होता है उसका, उसके बाद मंदाकिनी रिवर है जो केदारनाथ से ओरिजिनेट होती है, भगीरथी रिवर है जो गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद में आपकी यमुना है जो यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है। तो इनको सबको मिला के बनता है आपका गंगा रिवर। तो वैसे ही बद्रीनाथ से जो ओरिजिनेट होती है अलकनंदा, उसको आगे आके मिलती है धौली गंगा, यहाँ पे जहाँ पे मिलती है उसको कहते हैं विष्णुप्रयाग, उसके बाद में एक नंदाकिनी आती है, नंदाकिनी जहाँ पे आके मिलती है उसको कहते हैं नंदप्रयाग, ठीक है। उसके बाद में एक पिंडर नाम की नदी आती है उस जहाँ पे मिलती है अलकनंदा को, उसको कहते हैं कर्णप्रयाग। उसके बाद में अलकनंदा इन सबको लेके आगे बढ़ती है, उनको मिलती है मंदाकिनी एंड इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। देन नेक्स्ट वो आएगी आगे भगीरथी और अलकनंदा का संगम होगा, उसको कहेंगे देवप्रयाग। एंड वैसे ही आगे कंटिन्यू करके गंगा आएगी, एंड गंगा एंड यमुना जहाँ पे मिलेगी उसको कहेंगे हम लोग प्रयागराज, ठीक है, दैट इज योर प्रयागराज। चलो आगे बढ़ेंगे। रिवर ब्रह्मपुत्र एंटर्स इन इंडिया फ्रॉम द स्टेट। देखो यार, इंडिया में ना तीन प्रकार की रिवर सिस्टम है, पहले है आपका इंडस, गंगा एंड देन आपका ब्रह्मपुत्र। तो ऐसे ही रिवर ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया में कहाँ से आती है, देखो, क्योंकि इंडिया में क्यों आती है, क्योंकि वो बाहर ओरिजिनेट होती है जो कि तिब्बत में है, यहाँ पे ओरिजिन होगा उसका, ठीक है। चामयुंगडोंग ग्लेशियर नाम है उस जगह का,
ग्लेशियर का, वहाँ से उसका ओरिजिनेट होता है, वो आगे आती है, उसको तिब्बत में सैंगपो बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सैंगपो, तिब्बत में बोला जाता है, एंड देन वो एक यूटर्न ले लेती है इंडिया के अंदर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है, जिसको दिबांग बोलते हैं, वो आगे आएगी, उसका नाम असम में जाएगा ब्रह्मपुत्रा, एंड वैसे ही वो आगे जाके एंटर करेगी बांग्लादेश में, एंड उसको आके यहाँ से मिलेगी आपकी गंगा, जिसको गंगा जब बांग्लादेश में आती है उसको पद्मा कहते हैं, एंड जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में आते हैं इसको जमुना कहते हैं, एंड दोनों जब मिल जाती है तो इसको कहते हैं मेघना, एंड मेघना जाके मिलती है बे ऑफ बंगाल को। इसी के साथ ये दोनों रिवर्स यहाँ पे बनाती है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है इंटरेस्टिंग, चलो आगे पढ़ेंगे। तो वैसे थर्ड आपकी रिवर सिस्टम दैट इज इंडस, इसमें से पूछ रहा है ये चारों में से विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। सो यहाँ पे देखो इंडस रिवर जो है आपकी कैलाश मानसरोवर से ओरिजिनेट होती है, वो आगे आती है लद्दाख कश्मीर, एंड देन वो अब फिर से पाकिस्तान में जाके ड्रेन करती है अरेबियन सी में। वैसे ही बाकी की रिवर से उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, सबसे पहले ट्रिब्यूटरी है उसकी झेलम, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका, उसके बाद में है आपका चिनाब, देन है आपका रावी, देन बियस, एंड देन सतलज। बट बियस एक ऐसी अकेली रिवर है जो इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही ख़त्म होती है, वो कभी पाकिस्तान में नहीं जाती। बाकी की जो रिवर्स है वो इंडिया में ओरिजिनेट होती है एंड पाकिस्तान में जाके मतलब वो मिलती है मिठानकोट नाम की जगह पे इंडस रिवर को, ठीक है चलेगा। एंड इसी की वजह से हमारे और पाकिस्तान वालों के बीच में है इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा रावी। चलो आगे बढ़ेंगे। विच इज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इंडिया में दो प्रकार की रिवर्स है, एक जो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है एंड आपका ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में, एंड बाकी की रिवर्स जो कुछ चुनिंदा रिवर्स है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है एंड ड्रेन करती है अरेबियन ओशन में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा, क्योंकि नर्मदा रिवर जो है ये आपका अमरकंटक प्लेटू जो है यहाँ से आपका ये दिख रहा है, यहाँ से आपका ओरिजिनेट होता है नर्मदा रिवर जो कि मध्य प्रदेश में है, वो आगे आएंगी एंड अरेबिक सी में जाके वो ड्रेन कर देगी खुद को, ठीक है। वैसे ही तापी रिवर जो है वो भी सातपुड़ा रेंज से ही वो ओरिजिनेट होती है एंड वो आगे आएगी एंड अरेबिक ओशन में उसका सबमर्ज हो जाएगा, ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। रिवर सिस्टम खत्म है। वैसे ही अभी महाराष्ट्र की रिवर है एक जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है, तो ये लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया की, ठीक है, तो ये ओरिजिनेट होती है ब्रह्मगिरी हिल्स में जो कि त्र्यंबकेश्वर नासिक में है, वो आगे जाके उसको ये पूर्णा दुधना मिलती है, पूर्णा मिलती है, पेनगंगा मिलती है, यहाँ पे आगे ही पहली बार मिलती है प्रवरा, देन आपकी पेनगंगा मिलेगी, वर्धा मिलेगी, वैनगंगा मिलेगी, इंद्रावती मिलेगी एंड वो जाके यहाँ पे ड्रेन कर देगी। तो देखो यार ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि पिछले बार आपको पूछा गया था डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे दिए सीधे, पांच डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे बनाए गए और बोल दिया कि इन पांचों डिस्ट्रिक्ट्स में से डिस्ट्रिक्ट्स की बॉर्डर्स को कौन सी रिवर सेपरेट करती है, तो ये आपका पिछली बार के पांच क्वेश्चंस थे, वैसे ही इस बार भी शायद पूछा जाएगा, तो प्लीज़ एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है चलेगा। आगे देखेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। देखो यार इंडिया जो है ना, इंडिया की कुछ घाट्स है, कुछ रेंज है, माउंटेन रेंज है, तो यहाँ से महाराष्ट्र से चालू होता है साउथ की तरफ जाता है, ये है आपका वेस्टर्न घाट, वैसे साउथ से चालू होता है ये ऊपर बंगाल की तरफ जाता है, ये है आपका ईस्टर्न घाट, एंड देन यहाँ पे आता है आपका गैंगेटिक प्लेन, एंड इंडिया का जो बॉर्डर लाइन है ना, जो है आपका हिमालय, यहाँ पे आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा हिमालय, तो वैसे ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है वो है आपका अन्नाईमुड़ी हिल्स, ठीक है चलो आगे बढ़ेंगे। कुनो नेशनल पार्क इज इन, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क क्यों मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है एशिया में, मतलब भाई इंडिया में 1950s के टाइम पे चीताज ख़त्म हो गए थे, इनको रिहैबिटेट करवाना था, तो इसके लिए एक मिशन लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जिस मिशन में हमने चीताज लिए अफ्रीकन कंट्रीज से, नामीबिया वगैरह वहाँ से, एंड उनको यहाँ पे इंडिया में सेटल करवाया, एंड जहाँ पे सेटल करवाया उस सेटल करवाने की जो जगह थी उसका नाम था कुनो नेशनल पार्क, जो है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दूसरे बाकी के नेशनल पार्क्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इसको पढ़िए एक बार, ठीक है चलेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर ज्योग्राफी लेक्चर, बेसिकली एक ही चीज़ करना है, कंसेप्ट्स
को सीख लो, क्योंकि हमने बार 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 वही चीज़ें आपको पढ़ाई है, आपको सिर्फ एक बार उसको देखना है एंड उसको जान लेना है, उसके ऊपर के क्वेश्चंस आपको देख लेने हैं, ठीक है। हमारी टेस्ट सीरीज है, उसमें भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, चलेगा। थैंक यू, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।